हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यम टमी फूड रेसिपी। आज मैं बना रहा हूँ बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी, बिमला का करी। बिमला से बहुत ही अच्छा पिकल बनता है। मैं आज बिमला को इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट करी बना रहा हूँ। जरूर इस रेसिपी को एक बार घर पे ट्राई कीजिए और आपका फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। बिमला एक फ्रूट है, आप लोग इसे कच्चा भी खा सकते हैं, टामरिन टेस्ट रहते हैं। आप लोग इसको मार्केट में मार्च अप्रैल मई जून इस चार महीने में ही मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं, मैं आज बिमला को जड़ से निकाल रहा हूँ। बहुत ही फ्रेश बिमला है। इसे पिकल बनाने के लिए छोटा साइज का बिमला निकालना है। अगर आप करी बना रहे तो बड़ा साइज भी बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं, मैं फ्रेश जड़ से ही बिमला या बिलिम्बी को निकाला हूँ। इसे हमें पहले इसका जो फ्लावर पार्ट है वो सब निकाल के क्लीन करना है और एक बार अच्छे तरह से वॉश करके, मैं आप लोग यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं उस तरफ से मैं कट करके ले रहा हूँ। बिमला को एक बार अच्छी तरह से क्लीन करके इस तरह से कट करके लेने के बाद अगले प्रोसेस शुरू करेंगे। पहले मैं इस रेसिपी के लिए एक कप फ्रेशली ग्रेटेड नारियल को अच्छी तरह से पीस के ले रहा हूँ। नारियल को पीसते वक्त मैं कुछ भी मसाला का इस्तेमाल नहीं किया हूँ। जो भी मसाला यूज कर रहा हूँ मैं फ्राई करते वक्त ऐड कर रहा हूँ। बिमला का करी बनाने के लिए मैं यहाँ पे अर्थन पॉट गरम होने के बाद 2 चम्मच नारियल तेल ऐड किया हूँ। नारियल तेल गरम होते ही 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मस्टर्ड और 1 सूखा लाल मिर्च, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ और कड़ी पत्ता को ऐड करके अच्छे तरह से फ्राई करके ले रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बारीक से कट करके रखा हुआ मीडियम साइज का 1 ऑनियन ऐड किया हूँ। ऑनियन हमें अच्छे से फ्राई होने तक फ्राई करके लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे कट करके रखा हुआ बिमला को ऐड कर रहा हूँ। बिमला को ऐड करने के बाद हमें अच्छे तरह से फ्राई करके लेना है। फ्रेंड्स, बिमला करी बनाते वक्त आप हो सके तो अर्थन पॉट में ही बनाइए। अर्थन पॉट में बना हुआ बिमला करी का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपके पास बिमला करी बनाने के लिए अर्थन पॉट नहीं है तो स्टील का बर्तन से ही बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं हमारा बिमला अच्छी तरह से फ्राई होके कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं ऐड किया हूँ 1/2 कप जौगरी। जौगरी ऐड करने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके लिड को क्लोज करके बिमला अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक हमें इसे पकाना है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं हमारा बिमला अच्छी तरह से पक चुका है और सॉफ्ट भी हो चुका है। फ्रेंड्स, हमें इस समय ऐड करना है सारा ड्राई मसाला। पहले मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया हूँ। चिल्ली पाउडर आपका स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पाइसी वाला 1 चम्मच चिल्ली पाउडर ऐड किया हूँ। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके स्वाद अनुसार नमक ऐड किया हूँ। नमक ऐड करने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके लिया हूँ। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं ये बिमला का ड्राई बन चुका है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। हमें आज बनाना है करी, इसके लिए मैं पिसा हुआ नारियल ऐड किया हूँ। ग्राइंड किया हुआ नारियल ऐड करने से करी का टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा बनता है और आप चपाती, डोसा या राइस के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर बनाइए। करी का कंसिस्टेंसी आपको जैसा चाहिए उसके हिसाब से आप पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं हमारा बिमला करी बन के तैयार है। चपाती, डोसा या जवार की रोटी के साथ सर्व करने के लिए ये करी राइट कंसिस्टेंसी है। बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर एक बार बनाइए और आपका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में दिखाया हुआ मेथड को इस्तेमाल करके आप चाहिए तो वाइल्ड मैंगो करी भी बना सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। ज़रूर आप कोशिश कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी पसंद आ गई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ फिर वापस आऊँगा। अंटिल देन, बाय फ्रॉम विश्वास।